बजाने टिपिकली क्या होता है कि जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। जब सितंबर 11 हुआ तो बीएसई का जो नेक्स्ट वीक फॉल हुआ वो इंडेक्स आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया हिस्ट्री में सितंबर 11 2001 के बाद। एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 to 2009 स्टार्ट है। तो यहां भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया और ऐसी रिकवरी आई कि सब ये सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बाजार इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, बाजार फ्यूचर देख के भाव निकालता है और बाजार सिर्फ 21 मार्च की अर्निंग नहीं देख रहा है, बाजार 21, 22, 23, 24, 25 में क्या अर्निंग होती है वो सोच के ही भाव रखता है। दूसरी चीज है कि ब्याज बहुत घट गई है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऑल्टरनेटिव बहुत कम रहे हैं और आई थिंक दीज आर द मेन रीजंस। एंड ये कोविड जो है इट इज नॉट अ कैंसर, इट्स आफ्टर ऑल अ फ्लू। हिंदुस्तान में रोज 25 लाख लोगों को फ्लू होता है, नॉर्मल फ्लू, तो इसी में फर्क है। और दुनिया में ब्याज 3-4 साल तक रेट नहीं बढ़ेंगे, ब्याज के रेट, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। और इंडिया में भी लोगों को बहुत कम एक्सपोजर है इक्विटी में, अमेरिका में 30-32% हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटी में है, इंडिया में 4-5% है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सेविंग है, अपन ने म्यूचुअल फंड लाने का, डीमैट करने का, सेबी के साथ अच्छा रेगुलेशन, वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर मनी कैन बी टैप्ड। एंड द ग्रोथ, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज टू जीडीपी इज एट द लोएस्ट एवर इन हिस्ट्री, सो इट हैज, देयर हैज टू बी प्रॉफिट ग्रोथ। और उसमें मार्केट साइलेंटली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म किए, आईबीसी, रेरा, जीएसटी, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिफॉर्म, सेलिंग ऑफ पीएससी। और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, तो एक बार गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देगी तो इस देश में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आ जाए। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मेरे को लगता है कि बाजार, इसलिए और बाजार में टिपिकली क्या होता है कि जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। जब सितंबर 11 हुआ तो बीएसई का जो नेक्स्ट वीक फॉल हुआ वो इंडेक्स आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया हिस्ट्री में सितंबर 11 2001 के बाद। एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 to 2009 स्टार्ट है। तो यहां भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया और ऐसी रिकवरी आई कि सब ये सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिमेन बेरिश। एंड मार्केट्स देन, यू नो हाउ मार्केट्स आर, दे लर्न टू ट्रिक पीपल, मार्केट्स डेथ वेन द वेदर एंड वुमन अपन, वी कांट प्रेडिक्ट, वी हैव टू फॉलो। तो मुझे लगता है इस कारणों से बाजार अच्छा है और अच्छा रहेगा। सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है, इसके बजाय ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट डेट 4-6% मिलेगा, तो मुझे लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12-15% का मिलेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम में, यू नो, 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, सॉरी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने चाहिए। एंड बिकॉज इंडिया एंड द इंडियन मार्केट्स आर अ कांस्टेंट अपट्रेंड, विदाउट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट वी शुड बट पुट मनी इनटू इक्विटी एवरी मंथ, यही मेरी सबको सलाह है।